guys, today is the 20th of December and it's a very very special day क्योंकि आज के दिन 9 साल पहले I became a mother. So today is Ariza's birthday. It's special, it's emotional and it's happy और आज बहुत सारी चीजें planned है. In fact हमने कुछ नहीं plan किया है, सब कुछ Ariza ने plan किया है और सब कुछ उसके according हो रहा है. So join us in celebrating Ariza's birthday today. My baby. Thank you. अरहम ये आपने दिया दीदी को? हाँ. आपने सुबह खाया था ग्रेप्स? हाँ. कितने खाए थे? इतने सारे खाए थे ना? तो अरीजा ने बोला कि उसको अपने बर्थडे पे एक बहुत ही स्पेसिफिक गिफ्ट चाहिए. शी वांटेड अ ट्रैकर वॉच, रिस्ट वॉच, जिस पे हम उसको ट्रैक कर सकते हैं और जिस पर वो हमारे कॉल्स अटेंड कर सकती है और हमको कॉल भी कर सकती है. सो दैट वॉच आई बॉट फॉर हर. लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो रही है कि सिम कार्ड जो डलवाया है उसमें दैट्स फॉर सम रीजन नॉट वर्किंग. ऑल्सो देयर इज अ पार्टी प्लान टुनाइट नहीं, शाम को. अरीजा ने डिसाइड किया है कि उसके बर्थडे की जो थीम है वो लैवेंडर और व्हाइट है. सो एवरीथिंग हैज टू बी लैवेंडर एंड व्हाइट. अभी तो हम ऐसी व्हाइट टी शर्ट्स भाई बहन के जैसे पहन के बैठे हैं. कोऑर्डिनेटेड. मोहित डिसाइडेड कि घर को डेकोरेट भी करेंगे लैवेंडर और व्हाइट में और मोहित खुद ही करने वाला है सब कुछ. ही जस्ट कॉल्ड वन पर्सन टू हेल्प हिम आउट. वी हैव टू पैक हर रिटर्न गिफ्ट. अरीजा, आई विल टॉक टू यू आफ्टरवर्ड्स, बाय. अरीजा क्या हो रहा है, ये फोन ही करे जा रहे हो सबको? ओह माय गॉड, आई यू अ बिजी बर्थडे गर्ल. तो हम लोगों ने बहुत सोचा कि रिटर्न गिफ्ट में क्या देना चाहिए. तो एक बार हमने प्लांट्स दिए थे, लास्ट ईयर हमने क्या दिया था? पर्सनलाइज्ड बॉटल. तो इस बार हमने सोचा कि बॉटल्स भी टूट फूट गई लास्ट ईयर वाली, और कोई टॉय देंगे या एक्टिविटी बॉक्स देंगे तो वो भी करके खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. सो व्हाई नॉट गिव समथिंग जो बच्चों के पास लाइफ लॉन्ग रहे. सो अरीजा चोज दिस बुक, मटिल्डा बाय रोल्ड डाल, जो अरीजा ने खुद बहुत एंजॉय की एंड शी ऑल्सो एंजॉयज रीडिंग ऑल रोल्ड डाल बुक्स. सो वी थॉट वी विल गिव मटिल्डा टू एवरीबडी ताकि वो लोग आज पढ़ें और उसके बाद बुकशेल्फ में रख दें और 20 इयर्स के बाद जब हम बुकशेल्फ में से बुक निकालेंगे दे विल रीड दिस ब्यूटिफुल नोट विच अरीजा हैज रिटन विद हर ओन हैंड्स इन हर क्यूट लिटिल हैंड राइटिंग विच सेज, डियर सो एंड सो, आई होप यू लाइक दिस बुक, लव अरीजा. So sweet, my cuckoo. नेटवर्क का इशू होगा. नेटवर्क पे क्रॉस बना हुआ है क्या? हाँ, रेड डंडा बना हुआ है. तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि अरीजा की घड़ी तो आ गई है और उसमें एयरटेल का घंटा डलवाया हुआ है लेकिन नेटवर्क ही नहीं आ रहा है एयरटेल स्टोर में. व्हेन आई कॉल्ड मोहित ही स्पोक टू मी ऑन द वॉच, पर घर पे आके ना फोन में नेटवर्क आ रहा है उसका ना ही वॉच में आ रहा है. सो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग नाउ. ही इज थिंकिंग वोडाफोन लेकर आ जाना चाहिए क्या. ये जो नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क हमेशा दूसरे का अच्छा लगता है आपको. हमारे पास फोन में वोडाफोन है तो हमने एयरटेल डलवाया ये सोच के कि नहीं, एयरटेल जिनके पास है उनका अच्छा है. एयरटेल नहीं चल रहा है जब आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे होते हो और आप टोल नाका पे पहुंचते हो तो आप जिस लेन में जाते हो ना वो लेन सबसे स्लो चल रही होती, बाकी लेन्स में से गाड़ियां निकल रही होती है, आप सोचते यार काश मैं उस लेन में चला. पर अब किया क्या जाए. आपने नहीं कर ली? हाँ. इतने सारे बलून किस लिए हैं? अरीजा, दिखाओ इधर ला के मुझे. क्या है इसके अंदर? डॉट. वाओ. कहाँ लगा रहे हो? हम कहाँ लगाओ लेके दीजिए, इधर लगाओ. देखो हाँ अच्छा लग रहा है मुझे, लगाओ. नहीं लग रहा, आप लगाओ ना मेरे लिए. अच्छा ठीक है. You like them? अरहम आप भी कर रहे हो? वेरी गुड वेरी गुड. अच्छे से करो. वेरी गुड. अरीजा आप क्या कर रहे हो? गुड. एवरीवन्स बिजी. अरीजा की डेकोरेशन पूरी हो गई है और अब अरीजा गई है अपनी डांस क्लास के लिए. तो स्पेशली आज उसकी टीचर ने उसकी डांस क्लास जल्दी रखी है
सो दैट ऑल द किड्स एंड हर दे कैन ऑल रीच हियर बाय 6 o'clock एंड वी कैन स्टार्ट. 6 o'clock से ज्यादा लेट करेंगे तो अरहम बेचारा पार्टी अटेंड नहीं कर पाएगा पूरी, बिकॉज उसको 7:30 बजे मुझे सुलाना होता है लेटेस्ट. सो एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन प्लान. आई एम गोइंग टू गेट रेडी इन माई लैवेंडर क्लोथ्स. मैं और रूम का जो डेकोरेशन है वो सारा ब्लेंड हो रहा है, बिकॉज एज पर अरीजाज रिक्वेस्ट मैंने भी पहना है लैवेंडर. मोहित के पास कुछ लैवेंडर है नहीं, अरम के पास भी कुछ लैवेंडर नहीं है, सो दे आर गोइंग टू वेयर व्हाइट एंड टुगेदर ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू मैच. आई थिंक इस बर्थडे की जो फीलिंग है ना बहुत डिफरेंट है अरीजा के बाकी बर्थडे से. फॉर अ फ्यू इयर्स आपके हाथ में कंट्रोल होता है इस चीज का कि आप किस तरह की बर्थडे पार्टी थ्रो करना चाहते हैं, पार्टी थ्रो करना चाहते हैं कि कुछ और करना चाहते हैं. सो विद अरीजा वी ऑलवेज हैड अ बर्थडे ट्रिप, वी ऑलवेज टेकन हर टू अ डेस्टिनेशन विच शी हैजंट सीन बिफोर टू गिव हर एन एक्सपीरियंस. बट जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये घर पे गेट टुगेदर्स करने का सिलसिला शुरू हुआ है, एंड दिस ईयर एवरीथिंग लिटरली हैज बीन एज पर व्हाट शी इज आस्किंग. एंड ऑल्सो आई थिंक जस्ट आई डोंट नो दैट एक्साइटमेंट दैट लिटिल चिल्ड्रन हैव अबाउट बर्थडेज, वो एक्साइटमेंट थोड़ा सा अरीजा का मैच्योर हो गया है. एंड आई फील लाइक माई लिटिल गर्ल इज ग्रोइंग अप. एंड आई ऑल्सो फील कि जरूरी होता है एज पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि बच्चों को किस चीज के लिए हाँ बोलना है और किस चीज के लिए ना बोलना है, यू नो, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द थिंग्स दैट यू से नो फॉर. तो उसके बर्थडे के लिए आज लिटरली हर चीज के लिए हाँ बोला गया है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको मना की गई है, बिकॉज इट वॉज पॉसिबल एंड इट वॉज नॉट अ बिग डील. एंड द नोज that you say to your child, you have to really, really be stingy with that. उसको संभाल के रखना पड़ता है, उसको लॉकर में रखना पड़ता है ताकि जब बहुत जरूरत हो तब उस नो का इस्तेमाल किया जाए. Oh my God, show me what you're wearing. Who's ready for some games? That we are playing. Musical statues. This is another thing that we did. We decided to play all the games by ourselves and we decided not to call anybody from outside. Okay, make the kids play games and we have a lot of games in store for you kids today. Ready? Yeah! This is going to be more difficult than I thought. Passing the cushion. Passing the cushion. Okay. It's passing the parcel. Oh, sorry, my bad. Dog in the bone का rules क्या है? Rules तो बताओ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. इतने एडजेक्टिव्स तो मुझे भी नहीं पता थे पाव भाजी के लिए जो लगाए जा सकते हैं. स्क्रम्शियस, हेवनली, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, ऑसम. ओके अरीजा, you like your birthday gift? Oh my God, Ariza, you opened all your gifts.
बेसिकली पार्टी बहुत ही सक्सेसफुल रही. आई टेल यू उसका सबसे बड़ा जो इंडिकेशन होता है इज दैट ऑल द फूड दैट यू prepared and ordered is finished, which means people ate to their heart and had a lot of fun. Isa indication बच्चों की पार्टी का होता है कि इतना शोर होता है कि कुछ आप बात नहीं कर सकते, कुछ आवाज नहीं आती. वो भी हुआ. Thankfully अरहम इस शोर में सो भी गया. And Ariza is very happy. Gift खोल के अभी वो हो गया. But I think just to not have a birthday party, I don't want another child. But बच्चों की birthday parties interesting होती हैं और आपको मजा आता है तभी अगर आप सब कुछ अपने आप करो, पूरी तरह इन्वॉल्व होकर. अदरवाइज जस्ट टू गेट everything booked and done from outside, I think somewhere takes the fun away from it. और उस चीज को हमने बहुत enjoy किया because we actually got involved in the decoration, in the food, in the games. In everything. So that was a lot of fun. I hope you enjoyed Ariza's celebrations. And please like the video, share, and don't forget to subscribe to Being Born with Chubby. This is both of us signing out. Love and peace from us to you.